दोस्तों, मेरे दूसरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बींग अ टूर गाइड पार्ट टू। आज के व्लॉग में हम अपने गेस्ट को ले चलेंगे भीमताल। जैसे अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम अपने गेस्ट को हमने रानीखेत में घुमाया था, उसके बाद आज हम उन्हें ले चलेंगे भीमताल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि अब होगी मोटी कमाई, कहने का मतलब यह है कि अगर आप टूर गाइड को भी एज अ प्रोफेशन लेते हैं तो इसमें भी काफ़ी इनकम के अच्छे स्रोत हैं। अब जैसा कि आपका ध्यान जा रहा होगा मेरे हेलमेट पे कि मैंने किस टाइप का हेलमेट पहना है, तो आज का जो मेरा हेलमेट है इसे मैंने नाम दिया है पिंकी हेलमेट। कारण यह है कि ये थोड़ा फीमेल हेलमेट है और मेरे घर में भी एक हेलमेट था, लेकिन अक्सर होता क्या है, अगर आप दूसरों की मदद करो तो जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप उस समय पैदल हो जाते हैं। तो मेरे जो घर का हेलमेट था वो मैंने किसी को दे दिया और वो अभी तक मेरे पास पहुँचा नहीं है, तो इसलिए आज मुझे अपना सफ़र इस पिंकी हेलमेट में तय करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम अपने गेस्ट को कहाँ कहाँ ले जाएंगे वो सब हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम अपने गेस्ट को भीमताल लेके जा रहे हैं, इसी क्रम में अभी हम गर्म पानी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे गर्म पानी जो पुल है यहाँ से प्रकृति का अद्भुत नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं। ये पुराना पुल और सामने आप देख सकते हैं नया पुल है। हमारे गेस्ट भी जो हैं भरपूर ब्लॉगिंग का आनंद उठा रहे हैं। अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं और आप मेरे साथ घूमना चाहते हैं या मेरे जो गाइडेंस है उसमें आप घूमना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें। इसके बाद हम ले चलेंगे अपने गेस्ट को कैंची धाम और फिर धीरे धीरे करके भीमताल जाएंगे। तो सारे कनेक्ट हो गए, अभी साथ नई पुल बना दी गई है, तो दोस्तों खैरना के पास में एक शिव मंदिर है जहां अभी किसी का अंतिम संस्कार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जीवन का जो सफ़र है बस यहां तक ही है, इसलिए अपने जीवन को भरपूर जिएं, ज़्यादा चिंता में अपना जीवन वेस्ट ना करें। आपको जो भी काम अच्छा लगता है वो काम कीजिए, क्योंकि अंत में तो हम सभी ने पंच तत्व में ही मिलना है। तो अपने जीवन को भरपूर जिए। खैरना पुल की चकाचौंध अपने आप में दिखाई दे रही है। हमारे गेस्ट भाई साहब ने यहाँ के भी कई बढ़िया वीडियोस निकाल लिए हैं। तो एक अच्छा और अनुभवशील टूर गाइड होने का फ़ायदा यह है आपके साथ में कि वो आपको सभी लोकल से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हूँ, तो अगर कोई ऐसे फोटोग्राफर साथी रानीखेत पहली बार घूमने आ रहे हैं और वो भी अगर किसी गाइड की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से गाइड कर सके, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने ब्लॉगर साथी को पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं कि कहाँ वीडियो बनानी चाहिए, कहाँ क्या शॉट लेने चाहिए, इसी प्रकार मैं आपको भी गाइड कर सकता हूँ। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल टूर गाइड की तलाश में हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम आपको भ्रमण पर ले चलेंगे और आपकी हेल्प करेंगे अच्छे वीडियोस बनाने में, अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करने में। तो बने रहिए। झाड़पाड़ की वीडियो जो बना रहे हो तुम। तो दोस्तों, लोग कहते हैं पहाड़ों में है क्या, पहाड़ों में जाम है, लेकिन ये जाम नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्योंकि अभी वीकेंड है और वीकेंड में इतने लोग, देखिए ये जाम इसलिए लगा है क्योंकि इतना ही आपको ऊपर भी मिलेगा। कैंची धाम का रूट है, बाबा जी की कृपा है, शनिवार का दिन है, तो जितना जाम ये नीचे दिखाई दे रहा है इतना ही ऊपर भी है। तो पहाड़ में बहुत कुछ है, बस आप थोड़ा मन तो बनाइए पहाड़ आने का, पहाड़ घूमने का। दूर दूर तक जहाँ भी नज़रदारी है जाम ही जाम दिखाई दे रहा है, और ये भी सिंगल साइड है, ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ को भी कैंची धाम तक इतना ही बड़ा जाम होगा। कारण सिर्फ ये है कि आज लोग पूरे प्रदेश से, पूरे देश से कैंची धाम महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ट्रैवल की खास बात यह है कि अगर आप स्कूटी में हैं तो आप इतना जाम क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए मनीष जी को आप चाय पकौड़ी खिलाते हैं, फेमस। तो दोस्तों, अपनी यात्रा में अभी हम पकौड़ी और चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, अब मनीष जी को खिलाते हैं गर्मा गर्म
पकौड़ी और चाय। सुना है यहाँ मूंग की पकौड़ी काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों अब लेते हैं गर्मा गर्म चाह पकौड़ का स्वाद। तो दोस्तों अपनी यात्रा के अगले क्रम में हम अपने गेस्ट को लेकर आए हैं बाबा कैची धाम के दरबार में। जैसे कि आपको पता है शनिवार का दिन है तो बाबा के दरबार में काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी है। देश विदेश से यहाँ भक्त पहुँचते हैं बाबा के दर्शन करने, और आज शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन खासा भीड़ भाड़ यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों अभी कैची धाम में भक्तों की भव्य भीड़ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम भवाली से अंदर को आ चुके हैं, अब हम जाएंगे घोड़ेखाल गोलू देवता के मंदिर, उसके बाद फिर भीमताल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा हमारे वीडियोस में। ऐसे ही मज़े अगर आप आगे भी लेना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों हम अपने गेस्ट को लेके पहुंच चुके हैं गोलजू के दरबार घोड़ाखाल। अब यहाँ थोड़े गोलजू के दर्शन करते हैं, और यहाँ पे सैनिक स्कूल का भी गेट है जो उनका सेकंड गेट है, और यहाँ से अब हम जाएंगे गोलजू के दरबार। जय गोलजू महाराज। भक्तिमय नज़ारा। गोलू जी का भी बुलावा देखिए। पहले हम चिताई गोलू मंदिर अल्मोड़ा गए, वहाँ भी अपने गेस्ट के साथ ही गए थे। उस समय गेस्ट हमारे दिल्ली से आए थे। उसके बाद चंपावत गए गोलजू महाराज जी के दरबार, और अब घोड़ीखाल भीमताल से गोलू जी का बुलावा। और यहाँ भी हम अपने गेस्ट के साथ जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है भक्तिमय वातावरण। दोस्तों यहाँ गोलू जी के दरबार में लगा है भक्तों का जमावड़ा। हल्की सी झलक दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम गोलू जी के दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। एक ख़ास बात जो मैंने नोटिस की है, जैसे मैं जब चिताई गोलू अल्मोड़ा भी गया था तो वहाँ भी मैं अपनी ये द प्रोडक्शन प्रो की यूनिफॉर्म पहन के गया था, और आज यहाँ भी भीमताल गोलू देवता के दर्शन करने आया हूँ तो यहाँ भी मैंने जो अपना हुड पहना है ये द प्रोडक्शन प्रो का पहना है। तो अपने आप में ये भी काफ़ी बढ़िया संकेत है। गोलू जी की कृपा से द प्रोडक्शन प्रो का काम भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि हमारा काम और ज़्यादा तरक्की करेगा। जय गोलू महाराज। तो दोस्तों घोड़ाखाल के पास से शानदार नज़ारा, भीमताल भी देखिए आगे। थोड़ी धुंध है लेकिन बेहतरीन। खूबसूरत नज़ारा पहाड़ का। चलो बड़ी की चलो। तो दोस्तों अगर आप भी सेना में बनना चाहते हैं अफसर तो यह है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जहाँ के लिए आप 6th क्लास में और 9th क्लास में टेस्ट दे सकते हैं। तो कई लोगों का सपना होता है सेना में भर्ती होने का, तो उसकी पहली स्टेज यही है घोड़ाखाल स्कूल भीमताल, जहाँ 6th क्लास और 9th क्लास में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यहाँ के लिए। अगर आप यहाँ क्वालिफाइड करते हैं तो आपको यहाँ पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं भीमताल। काफ़ी शानदार नज़ारा है शाम का, और अभी जो टाइम हो रहा है कम से कम
5 बजने वाला है, तो आप देखिए कि 10 बजे सुबह हम चले थे रानीखेत से और हमें पहुँचते पहुँचते 5 बज चुका है। तो आप खुद ही गैस कीजिए कि हम कितना एक्सप्लोर करते हुए आए हैं, जगह जगह रुकते हुए कई डेस्टिनेशंस हमने कवर की। और इसी के साथ ही अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन भीमताल, जहां आज हम स्टे यहीं करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम भीमताल पहुंच चुके हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा बीइंग अ टूर गाइड पार्ट 2 कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर आपको मिलते हैं किसी नई डेस्टिनेशन में।